जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास पेपर कटिंग है जो कि दैनिक भास्कर में देखने को मिल जाएगा 5/11 के डेट में। यहाँ पर जो बताया कि बिहार के 38 जिला में स्वरोजगार के लिए आज से दिया जाएगा ऋण, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए 38 जो यानी सभी जिला में जो है ना आपको स्वरोजगार के लिए आपको ऋण दिया जाएगा यानी लोन दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो और भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो और भी यहाँ पर विस्तार रूप से जानकारी दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर देखें तो लिखा है कि बिहार के 38 जिला में उद्योग विभाग की ओर से मंगलवार को कैंप लगाया जाएगा, ठीक है। कैंप में स्वरोजगार के लिए ऋण बांटा जाएगा, ठीक है। यानी 38 जिला में उद्योग विभाग की ओर से जो मंगलवार को कैंप लगाया जाएगा जिसमें आपको कैंप के माध्यम से ना स्वरोजगार के लिए आपको ऋण आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें तो लिखा गया ऋण पाने के लिए बिहार के 38 जिलों में लगभग 11,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, ठीक है। यहाँ देखिए ऋण पाने तो यहाँ पर ऋण पाने के लिए जो बिहार के 38 जिला हैं जिसमें लगभग और अधिक लोग यहाँ पे आवेदन किया है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक लोगों ने ग्रीन फर्नीचर आटा चक्की राइस मिल लगाने के लिए आवेदन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर 11,000 से अधिक लोग जो आवेदन किए हैं इसमें किस किस काम के लिए ज़्यादा लोग आवेदन किए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रिल हो गया, फर्नीचर हो गया, आटा चक्की राइस मिल लगाने के लिए लोग आवेदन किए हैं। पिछले महीने में 9 अक्टूबर को 38 जिलों में ऋण वितरण कैंप में 900 से अधिक लोगों को ऋण बांटा गया। जानकारी के मुताबिक उद्योग विभाग की ओर से बिहार के सभी जिलों अक्टूबर से दिसंबर तक प्रत्येक महीना एक दिन ऋण वितरण कैंप लगाने की योजना बनाई गई है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बताया गया है कि बिहार के सभी जिलों में अक्टूबर से और दिसंबर तक प्रत्येक महीने में मैंने एक दिन आपका ऋण बांटने का यहाँ पर कैंप यहाँ पर लगाया जाएगा, जैसे कि बताया गया है नवंबर के बाद 3 दिसंबर को कैंप लगाया जाएगा। यानी आपको फिर नवंबर के बाद आपको देखें तो 3 दिसंबर के भी आपको कैंप यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके दौरान पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएम और जो बताया गया कि जो ऋण आपको दिया जाता है यानी जो लोन दिया जाता है इसके अंदर यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि बताया गया है यहाँ पे हमें जैसे कि इसके जैसे लिखा कि पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम या पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, उसके बाद उद्यम योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो ऋण आपको दिया जाता है इसके तहत 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। यानी इस ऋण में आपको 10 लाख रुपए तक ऋण आपको दिया जाता है। इसमें 50% राशि सब्सिडी होती है, यानी जब आपको 10,000 रुपये आपको मिलेगी जिसमें आपको 50% जो है राशि आपको सब्सिडी यहाँ पर होती है, ठीक है। ऋण के कैंप में उद्योग विभाग के अधिकारी के साथ ही बैंक अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, जीविका के अधिकारी सहित अन्य उपस्थिति रहेंगे, ठीक है। इससे आवेदन की जांच के बाद तत्काल आवेदकों को ऋण मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया है कि जो बिहार के 38 जो जिला है, ठीक है, उस जिला में आपको देखें तो प्रत्येक महीना में एक दिन जो है आपका कैंप लगाया जाएगा जो कि ऋण यहाँ पर बांटने के लिए, और यहाँ पे आपको देखें तो 10 लाख रुपया तक आपको लोन यहाँ पे दिया जाएगा, लोन जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको 50% तक यहाँ पे सब्सिडी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। ये आपको निकल के यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो अब कैंप जो लगने वाला है 3 दिसंबर को कैंप लगाया जाएगा, जैसे कि बताया कि अब जो है 3 दिसंबर को यहाँ पे कैंप यहाँ पे लगाया जाएगा। तो अगर आप भी स्वरोजगार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो 10 लाख रुपये आपको ऋण जो है दिया जाएगा जिसमें 50% तक आप जो सब्सिडी यहाँ पे मिलने वाला, ठीक है। तो ये आपको सोचना यहाँ पे निकल कर रही है तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो चलिए इससे बताएं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।